मायने में सुरभ सिंह और आज मैं आपसे सेफ्टी का ये सेकंड वीडियो लेकर आई हूँ इसके पहले की वीडियो में मैंने आपसे हजार्ड्स के बारे में बात की थी और सेफ़्टी का इंट्रोडक्शन दिया था कि सेफ़्टी क्यों रिक्वायर्ड होती है सेफ्टी कहाँ कहाँ पर ज़रूरी होता है आज मैं आपसे बात करूँगी ओ एस एच ए और हेल्थ मैनेजमेंट गाइडलाइंस के बारे में और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग उसके बारे में तो अगर हम ओ एस एच ए की बात करते हैं दैट नेशनल सेफ़्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा एक एक्ट था जिसमें हम किसी भी इंडस्ट्री में उसके वर्किंग कंडीशन उसकी सेफ़्टी उसके हेल्पफुलनेस uh, के बारे में डिस्क्राइब करते थे इसमें बेसिकली बहुत सारे एक्ट्स होते हैं बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं बहुत सारी आपके रूल्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है तो यहाँ पर हम बात करते हैं द विद द आक्युपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट ऑफ 1970 सेवेंटी द ऑक्यूपेशनल सेफ़्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर सेफ़ एंड हेल्पफुल वर्किंग कंडीशन फॉर वर्किंग मैन एंड वुमेन बाई सेटिंग एंड एनफोर्सिंग स्टैंडर्ड बाई प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग आउटरीच एजुकेशन असिस्टेंस तो बेसिकली ओ एस अच्छे कहाँ कहाँ पर कवर किया जाता है कंस्ट्रक्शन में इंडस्ट्री में सी मरी टाइम पर एग्रीकल्चर्स में तो जहाँ पर हमें वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना है बेसिकली बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ हजार्ड्स से हज़ार के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था फिजिकल हज़ार थे आपके इन्वायरमेंटल uh, हजार्ड्स थे या जो भी आपकी दुर्घटना कि जहाँ पर भी होने के चांसेस है वहाँ पर आप सेफ्टी के क्या क्या एक्ट्स बता सकते हैं वो सारी चीज़ें आपके ओ एस एच ए में कवर होती हैं तो एग्ज़ाम्पल्स अगर हम इसमें बेसिकली इंक्लूड करें कि हम क्या क्या एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होगी तो क्या होता है प्रोवाइड फॉल प्रोटेक्शन यानी गिरने से बचना कंस्ट्रक्शन में मैंने आपको एक्जाम्पल लेकर बताया था कि अगर आपको ट्वेंटी ट्वेंटी फ्लोर तक की बिल्डिंग को बनानी है तो आप वहाँ पर फॉल प्रोटेक्शन के लिए आप क्या क्या आ, एक्ट की क्या क्या आप चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं प्रिवेंटिंग ट्रेंडिंग के प्रिवेंट एक्सपोजर टू सम इन्फेक्शन डिसीज प्रिवेंट एक्सपोजर टू हार्मफुल केमिकल्स पुट गार्ड्स ऑन द डेंजरस मशीन तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होगा कि जो आपका ओ स्टैंडर्ड है इसका फुल फॉर्म क्या है ये किस ईयर्स में इसको इसको लॉन्च किया गया था कब से ये बनना शुरू हुआ था उसके बाद से इसमें आता है कि इसकी गाइडलाइंस क्या हैं तो इसकी गाइडलाइन में सबसे पहले आता है कि मैनेजर लीडरशिप यानी जो भी आपके इंडस्ट्री के मैनेजर होते हैं सीईओ या जो भी हायर डिपार्टमेंट होता है वो किस तरीके से लीड करते हैं आपकी किसी भी इंडस्ट्री में सेफ्टी को अगर आपको कोई कोई एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं तो जो भी आपका पावर प्लांट है अगर आपकी ट्रेनिंग वगैरह लगी होगी एन या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या कोई भी पावर प्लांट में तो आप वहाँ पर देखते हैं कि सेफ्टी के जो भी रूल्स होते हैं उसके बैनर

नेक्स्ट आता है आपका वर्कर पार्टिसिपेशन का तो कोई भी, भी सेफ्टी एक्ट है बिना वर्कर के पार्टिसिपेशन के वो सक्सेसफुल नहीं होता है जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपसे बात करूं कि जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो टी जो कि आपके टेम्प्रेरी वर्कर्स होते हैं टेम्प्रेरी स्टाफ्स होते हैं उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जितनी भी रूल्स बनाए गए हैं ये सारे रूल्स आपके हायर लेवल पर बनाए गए रहते हैं बट उनको फॉलो जो करना होता है जो ग्राउंड लेवल पर काम करता है जो ग्राउंड स्टाफ काम करता है उनकी सिक्योरिटी के लिए बनाया गया रहता है उस स्टाफ की टी के लिए बात बनाया गया था है अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग की बात करूँ तो कोई भी जो आपका बिल्डर होता है या जो भी आपका हायर अथॉरिटी होता है वो आकर यहाँ पर काम नहीं शुरू करता है। काम तो आपके जो वर्कर्स होते हैं जो ग्राउंड लेवल स्टाफ होते हैं वो शुरू करते हैं तो उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है उनका इन्वॉलमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको सेफ्टी के रूल समझाए जाएँ उनको हेल्थ प्रोग्राम से अवेयर कराया जाए नेक्स्ट आता है हज़ार आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट इसमें बेसिकली आता है कि जो भी चीज़ें आपका जारडर्स है आप उसको आइडेंटिफाई किस तरीके से कर रहे हैं लाइक like, इसमें फायर सिक्योरिटी के बारे में बात आ सकती है कि, कि किसी भी की इंडस्ट्री या इक्विपमेंट या कंस्ट्रक्शन में आप देख रहे होते हैं कि अचानक से आग लग जाती है तो हजार डेज चीज़ें जो भी हैं इनको आपको आइडेंटिफाई करना है इनको आपको एसेस करना है तो बेसिकली इनकी इन्हीं की वजह से आपके जो फेलियर्स होते हैं किसी भी कंपनीज में हमको उन पर काम करना होता है तो ये सब आपकी ओ की गाइडलाइन में कवर किया जाता है नेक्स्ट आता है हज़ार्ड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अगर आपने कोई भी हजारडियस थिंग या कोई भी हजारडियस इक्विपमेंट आपने देखा है अगर कहीं भी इंडस्ट्री में कंपनी के अंदर तो आप उसको कैसे प्रिवेंट करते हैं एज ऑन स्पॉट क्या एक्शन लेते हैं उसको किस तरीके से कंट्रोल करते हैं ये सारी चीज़ें आपकी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन में अलग अलग गाइडलाइंस में डिटेलिंग में दी हुई होती हैं उसके बाद से आता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी टाइम टू टाइम आपको एजुकेट किया जाता है आपको ट्रेन किया जाता है आपको ग्राउंड वर्कर्स को ट्रेन किया जाता है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान किस तरीके से रखता है बहुत जगह पे सेमिनार हो रहे होते हैं बहुत जगहों पर आपको स्पेशली यहाँ पर बाहर से आते हैं स्पेशली ट्रेंड ऑफिसर्स आते हैं आपको स्पेशली ट्रेंड करने के लिए कि कोई भी अन सिचुएशन आ जाती है तो आपको उसको किस तरीके से हैंडल करना है प्रोग्राम एवेल्यूशन एंड इम्प्रूवमेंट की टाइम टू टाइम जो इस तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उनको इवेलुएट किया जाता है कि उसको ऑर्गेनाइज़ करने से क्या इंप्रूवमेंट कैसी हुई है जैसे ओ एक्ट के लगने के बाद से आपका जो डेथ रेट था एक ऑन एन ज निकाला गया था वो काफ़ी कम हो गया था 3.3 पॉइंट एनजरी डेटा रेट पर हंड्रेड वर्कर्स पे ये डिफाइन किया गया था कि ओ एस एच एक्ट होने के बाद से जो दुर्घटना की रेट थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हुई है तो जो सेफ्टी गाइडलाइंस से, है जो सेफ्टी रूल्स से हैं इनको फॉलो करने के बाद इनकी इनकी अवेयरनेस के बाद जो, आपका, जो भी हजारडियस इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है नेक्स्ट आता है जो ओ एस एच ए है वो किस किस डिपार्टमेंट में या इंडिया में किस किस इंडस्ट्रीज़ में काम करता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से बना हुआ है क्वेश्चन कि फैक्ट्री को कवर करता है माइंस को कवर करता है पोर्ट्स को कवर करता है और कंस्ट्रक्शन को कवर करता है जो ओएस एच ए की गाइडलाइन है वो बेसिकली इन चार इंडस्ट्रीज़ को कवर करती हैं उसके अलावा हम बात करते हैं फैक्ट्री एक्ट जो कि नाइनटीन फोर्टी एट में बना था ये बेसिकली यू के हेल्थ और सेफ्टी एक्ट को फॉलो करता है इसके अंदर बेसिकली आपकी जो तीन चीज़ें होती हैं कहा जाता है कि ये तीन चीज़ें नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए चाहिए दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ट्राइंगल भी बोलते हैं ऑक्सीजन हीट एंड अ फ्यूल आपका 1948 में जो आपका फैक्ट्री एक्ट था उसको हम इसमें यहाँ पे देखेंगे इसमें बेसिकली आपकी तीन चीज़ें नहीं कवर होनी चाहिए फ्यूल ऑक्सीजन एंड इग्निशन सोर्सेज तो अगर हम फर्स्ट बात करते हैं इनपुट हीट तो बेसिकली जो आपका सॉलिड और लिक्विड होता है वो डायरेक्टली बर्न नहीं करता है फर्स्टली ये आपका वेपर के फॉर्म में जाता है और वेपर को प्रोड्यूस करता है उसके बाद से ये एक्चुअली बर्न करता है तो एक ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर जब आपकी सॉलिड या लिक्विड मटेरियल जो हैं वो सफिशेंटली वेपर में प्रोड्यूस होकर बर्न होते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लैश पॉइंट याद रखिएगा तो जो भी इनपुट है आपका या जो भी हीट है इसको बेसिकली हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब तक आप फायर सेफ्टी के बारे में आप तभी जानेंगे जब एक्चुअली आप जानेंगे कि फायर ये वो किस तरीके से लगती है तो उसके लिए हमारा ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी जो तीन चीज़ें हैं फ्यूल ऑक्सीजन एंड इग्निशन सोर्सेज यानी इनपुट हीट वो चीजें आपकी किसी भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री में नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए तो सो सॉलिड और अ लिक्विड मटेरियल डू नॉट बर्न फॉर अ कंबशन टू टेक प्लेस दिस मटेरियल मस्ट बी हीटेड सफिशियंटली टू प्रोड्यूस वेपर इट इज दिस वेपर विच एक्चुअली बर्न द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सॉलिड और लिक्विड मटेरियल प्रोड्यूस सफिशियंट वेपर टू बर्न अंडर रेपोटरी अब द फ्लेशम पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लैश पॉइंट क्या होता है फ्लेम पॉइंट क्या होता है एक ऐसा टेम्परेचर पॉइंट जहां के बाद से कंटिन्यूसली वेपर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है कंटिन्यूसली वेपर uh, जो सब जो आपकी जो वेपर है वो कंटिन्यूसली एक फ्लेम को प्रोड्यूस करना शुरू करती है उसको हम बेसिकली बोलते हैं फ्लेम पॉइंट एंड उसके बाद से आता है इग्निशन टेम्परेचर द टेम्परेचर एट विच द वेपर विल इग्नाइट इज द इग्निशन टेम्परेचर इसको हम बेसिकली ऑटो इग्निशन टेंपरेचर भी कहते हैं इफ द सोर्स ऑफ द हीट इज एन ओपन फ्लेम और स्पार्क इट इज रेफर्ड एज अ पायलटेड इग्निशन तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप याद रखिएगा एक इनपुट हीट के लिए कि जो आपका सॉलिड और लिक्विड है वो डायरेक्टली बर्न नहीं करता है पहले आप उसको इतनी हीट देंगे कि ये वेपर प्रोड्यूस करेगा और जो भी आप टेम्परेचर जो लोएस्ट टेम्परेचर है जिस पर यह वैपर के फॉर्म में बर्न होना शुरू होगा उसको हम फ्लैश पॉइंट बोलेंगे नेक्स्ट हमारा आता है फ्यूल तो फ्यूल में बेसिकली हमारे एक तरीके से दो तरीके दो वर्ड्स आते हैं बेसिकली कंबेटेबल एंड दूसरा आता है फ्लेमेबल तो कंबस्टेबल को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब आपका जो भी सॉलिड या आपका लिक्विड है जब हम उसको बर्न करते हैं तो पहले वो एक वेपर के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है तो जब वो वेपर के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है तो कितनी एनर्जी को प्रोड्यूस करता है उसको हम बेसिकली कम्बस्टेबल में काउंट करते हैं जबकि फ्लेमेबल है कि आपका कितनी कैपेबिलिटी के साथ वो आपका बर्न हो रहा है कम्बस्टेबल मीन्स हाउ मच एनर्जी वी गेट ऑन अ बर्निंग जनरली इन एयर अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ एम्बियन टेम्परेचर एंड द प्रेशर वाइल फ्लेमेबल इज डिफाइंड एज अ कैपेबल ऑफ बर्निंग विद द फ्लेम तो फ्लेमिंग किसनी तरीके किस तरीके से वो फ्लेमेबल या किस तरीके से आग लग रही है उसको हम फ्लेमेबल में काउंट करते हैं कम्बस्टेबल है कि उससे हमें कितनी एनर्जी मिल रही है बेसिकली फ्लेमेबल लिक्विड आर दोज विच हैव अ फ्लैश पॉइंट बिलो 100 डिग्री फॉरन हाइट सच एज अ गैसोलाइन एसीटोन एथिल एल्कोहल कम्बस्टेबल का मतलब है फ्लैश पॉइंट आपका हंड्रेड डिग्री फॉरन से ऊपर होगा लाइक एक्जाम्पल में फ्यूलहा ऑयल केरोसिन नेक्स्ट ऑक्सीजन आता है ऑक्सीजन जो आपके ट्रायंगल का थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपका एनवायरनमेंट में 21 परसेंट प्रोड्यूस होता है अगर आपका ऑक्सीजन 19.5 परसेंट से कम है तो भी आपका हजार डेस होता है और इवन अगर आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन 23.5 परसेंट से ज़्यादा है तो भी वो आपके लिए हज़ार डस होता है ट्वेंट परसेंट से कम ऑक्सीजन प्रेजेंट होने का मतलब है कि आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी तो So OSHA describes a hazardous atmosphere as one which is oxygen deficient because it has a less than 19.5 percent oxygen, or oxygen enriched because it has a greater than 23.5 percent oxygen. Either instant is regarded by OSHA as an atmosphere immediately dangerous to life and health.

जैसे अगर आप इस पर यहाँ पर एक्जाम्पल के तौर पर ये भी समझ सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन जो है आपका वो जितना प्योर फॉर्म में रहता है तो तब तक वो ज़्यादा यूजफुल होता है अगर हाइड्रोजन आपका इमप्योर फॉर्म यानी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देता है तो वो बॉम्ब का फॉर्म कर सकता है ब्लास्टिंग की चीज़ें हो सकती है वहाँ पर तो इस तरीके से जो आपका एक मिक्सिंग या प्रपोर्शन है वो आपका मेनटेन रहना चाहिए तो प्रपोशनिंग का मतलब है कि जो आपके फ्यूल्स होते हैं उनकी मिक्सिंग एंड प्रपोशनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर वो जो उसकी मिक्सिंग और है उससे अगर वो ज़्यादा हो जाते हैं तो उस केसेस में आपके आग लगने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं सच मिक्सेस ऑफ फ्यूल वेपर एंड ऑक्सीजन इंसेट टू बी विदिन द एक्सप्लोजिव लिमिट और अ फ्लेमेबल लिमिट जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया कि हाइड्रोजन है हाइड्रोजन अगर uh, प्योर कंसनट्रेशन फॉर्म में प्रोड्यूस है तभी वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है अगर वो इम्प्योर फॉर्म में या ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है तो वो आपकी मिक्सिंग या प्रोपोशनली एक बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव फॉर्म ले सकती है एक्सप्लोजिव एंड फ्लेमेबल लिमिट्स आर एक्सप्रेस इन द कंसनट्रेशन ऑफ फ्यूल वेपर इन एयर अ मिक्सचर विच कंटेन्स फ्यूल वेपर इन एन अमाउंट लेस देन नेसेसरी फॉर इग्निशन टू अकर इज टू लीन वाइल अ मिक्सचर विच हैज़ अ टू हाई कंसनट्रेशन ऑफ फ्यूल वेपर इज टू रिच इसमें बेसिकली लोअर कंसनट्रेशन और अपर एक्सप्लोजिव लिमिट को डिफाइन किया गया है तो लोअर कंसेंट्रेशन दैट विल बर्न इज नोन एज लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट वेल द हाइर स लेवल इज नोन एज अ अपर एक्सप्लोजिव लिमिट तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो बेसिकली ये ट्राइंगल है उसमें हमें बेसिकली तीन चीज़ें हैं ऑक्सीजन हीट और फ्यूल जो कि आपकी नहीं प्रजेंट होनी चाहिए उसके अलावा जो एक टॉपिक है आपका मिक्सिंग एंड प्रपोर्शन भी है कि अगर आपका इस तरीके से फ्यूल अगर आपका रिएक्ट करेगा या मिक्स करेगा तो भी आपकी आग लगने के चांसेज हैं और उसके बाद से आता है इग्निशन कंटिन्यूटी कि इनकेस अगर फायर लगता भी है तो किस प्रपोर्शन में आगे बढ़ता है बेसिकली उसके लिए तीन चार चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन एंड डायरेक्ट फ्लेम कंडक्शन में बेसिकली आता है कि हीट डायरेक्टली ट्रांसफर होती है सॉलिड बॉडी में कन्वेक्शन में आता है कि आपका जो हीट होता है वो एक मोशन के थ्रू ट्रांसफर होता है जैसे स्मोक हॉट एयर हो गया उसके बाद से हीट रेडिएशन के बारे में बात करते हैं हीट रेडिएशन इज़ द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स अक्रॉस इंटरवेनिंग स्पेस नो मटेरियल शुड भी इन्वॉल्व जैसे रेडिएशन के थ्रू आप देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे अगर आप एग्जांपल के तौर पे समझें कि तो पेट्रोल पंप वगैरह जो होता है वहाँ पर हम कहते हैं कि मोबाइल को ऑफ रखना है क्योंकि आपकी पेट्रोल इतना ज़्यादा आपका इग्निशन वहाँ पर इतना ज़्यादा होता है इतना ज़्यादा वो रिएक्टिव होता है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से भी रिएक्ट करके वहाँ पर आग लग सकती है उसके बाद से आपका आता है डायरेक्ट फ्लेम डायरेक्ट फ्लेम भी मैंने आपको समझा ही दिया है कि डायरेक्टली फ्लेम के थ्रू आग लग सकती है तो आप याद रखने में ईजी रहेगा कन्वेक्शन कंडक्शन रेडिएशन एंड डायरेक्ट बर्निंग ये आपकी बेसिकली इग्निशन कंटिन्यूटी के सोर्सेस हैं कि आग किस तरीके से आपकी आग आगे फैल सकती है उसके बाद से आता है इंडस्ट्रियल फायर सेफ्टी किस तरीके से अगर इनकेस अगर आपके इंडस्ट्री में कंस्ट्रक्शन फील्ड में आग लग जाती है तो आपको उसको किस तरीके से कंट्रोल करेंगे तो सबसे फर्स्ट आता है बाय स्प्रिंकल्स स्प्रिंकल्स में बेसिकली वही होता है जो आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि जब आग लग जाती है किसी भी बिल्डिंग वगैरह में तो आप बेसिकली पानी से डालकर उसको आग को बुझाते हैं तो जो मेन वाटर सप्लाई सिस्टम होता है उसके थ्रू हम बेसिकली वॉल्व के थ्रू हम पानी को कंट्रोल करते हैं कि कितना पानी हमें वहाँ डालना होता है तो जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है ये बहुत ही क्विकली असर करता है और ये बेसिकली रिड्यूस करता है जितनी भी हीट और फ्लेम या स्मोक प्रोड्यूस हुए रहते हैं और ये बेसिकली फैक्ट्री वगैरह में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वर्शियल बिल्डिंग वगैरह में ज़्यादा यूज़ किया जाता है आजकल ये स्मॉल बिल्डिंग्स वगैरह में भी यूज़ किया जा रहा है बस उसको कॉज इफेक्टिव बनाया जाता है नेक्स्ट आता है आपका फायर हाइड्रेंट तो फायर हाइड्रेंट एक बेसिकली पाइप की तरह होता है जो वाटर को अलाउ करता है फ्लो करने के लिए और ये जो होता है मेन वाटर कल से कनेक्टेड होता है जो मेन आपकी वाटर की टंकी होती है उससे कनेक्टेड होता है एक वॉल्व के थ्रू और इसमें वो वॉल्व खुल जाता है जब आपका पानी जब भी आपकी आग लगती है तो ये पानी वहाँ पर जब पूरा चला जाता है इट इज़ द बैकबोन ऑफ द फायर फाइटिंग सिस्टम इन अ बिल्डिंग और अ प्रेमाइसिस सिस्टम इज़ अ वाटर डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ वाटर टैंक संक्शन पाइप फायर पम्प तो ये बेसिकली आपका एक तरीके से पानी के थ्रू ही आपकी आग को कंट्रोल करने का सिस्टम है उसके बाद से स्टैंड पाइप आता है तो स्टैंड पाइप भी आपका बेसिकली हाइड्रेंट जो आपका सिस्टम है फायर हाइड्रेंट उसका ही एक्सटेंशन वर्जन होता है इसमें एक सीरीज ऑफ पाइप को हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट आता है आपका डाई सिलेंडर ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी आग को लगने के लिए बेसिकली तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं फ्यूल ऑक्सीजन और हीट uh, जो तीनों चीज़ें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इन्हीं तीनों चीज़ों की वजह से बेसिकली इन्हीं के मिक्सचर से हमारी आग लगती है तो वहाँ पर आपका जो डाई सिलेंडर होता है वो बहुत अच्छे तरीके से यूज़ होता है अगर आप किसी होटल में या कहीं भी किसी रेस्टोरेंट वगैरह में देखते हैं तो एक पैक में आपका पूरा डाई डाई डायो, सिलेंडर होता है जो कि आपके आग को बुझाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं डिलयूज एमल्सिफायर फोम ड्राई केमिकल पाउडर हैलोजेनेटेड एजेंट तो ये बेसिकली आपके ये आ, फायर को प्रिवेंट करने के बेसिकली अलग अलग तरीके हैं फायर प्रोटेक्शन सिस्टम है आपका ड्राई केमिकल पाउडर में बेसिकली कवर, कवर होता है जो आपके सोडियम बाइकार्बोनेट और जो आपके पोटेशियम बाई कार्बोनेट इनके स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स को हम यूज़ करते हैं आग को या जो आपके मॉइस्चर होते हैं उसको एबजॉर्व करने के लिए तो ये सारी चीज़ें आप याद रख लीजिएगा ये सब चीज़ें आपसे पूछ जा सकती है हेलोजेनेटेड एजेंट में आपके बेसिकली मेथेन एथेन को यूज़ किया जाता है ये।, ये सारी चीज़ें आपकी पूछी जा सकती हैं कि इसमें से क्या आपके फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में नहीं हो सकते हैं तो ये सब चीज़ों को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसमें से फिक्स इक्विपमेंट्स कौन से होते हैं पोर्टेबल इक्विपमेंट्स कौन से होते हैं तो हाइड्रेंट होस रील्स ये आपके फिक्सड इक्विपमेंट होते हैं जो किसी भी इंडस्ट्री में होते हैं पोर्टेबल आपकी ये सारी चीज़ें हैं जो आपके फायर पर डिपेंड करती है कहाँ लगी हैं तो आप इसको पोर्टेबली यूज़ कर सकते हैं उसके बाद से आपके आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द फायर बेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन कि आपके किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है तो अगर हम इसको बेसिकली छः टाइप में हम क्लासीफाई किए गए हैं अगर हम फर्स्ट क्लासीफिकेशन की बात करते हैं क्लास ए फायर तो इसमें हमारे बेसिकली सॉलिड मटेरियल वोट पेपर वगैरह आते हैं ये बेसिकली ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के थ्रू क्लासीफाई किया गया था क्लास बी में आपका एक्चुअली ऑयल और पेट्रोल आता है क्लास सी में आपकी गैसेस आते हैं क्लास डी में अगर आपकी बात करें तो मेटल है मैग्नीशियम एल्मोनियम आता है क्लास ई फायर में आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आते हैं और क्लास एफ फायर में बेसिकली आपकी कुकिंग ऑयल्स जो हाई टेम्परेचर पर हम काम करते हैं वो आते हैं तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझिएगा इस वीडियो को दोबारा पॉज करके अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और दोबारा इस वीडियो को सुनिएगा अगर कुछ नहीं समझ में आता है इस वीडियो से पर्टिकुलर वीडियो से क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है अभी सेफ्टी का एक थर्ड वीडियो और भी आएगा उसके बाद ये सेफ्टी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा थैंक यू